तो वेलकम दोस्तों, अभी तक दोस्तों टेक्सो में दोबारा से चल दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। तो भाई आज का वीडियो दोस्तों हमारे टेनो दोस्तों जो कि फोल्डर है दोस्तों, डिस्प्ले का फोल्डर जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो भाई देखो तो ये है, तो भाई देखो मैंने भाई ये जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो भाई ये भाई मैंने अपने फ़ोन दोस्तों डलवाया था भाई, एक साल तो नहीं हुआ, हो गए 6-7 महीने हो गए भाई, तब दोस्तों मैंने ये अपना फोल्डर दोस्तों स्क्रीन मतलब जो कि ओरिजिनल है ऑफिशियल है दोस्तों, और भाई वो मैंने उससे इस पर इम्प्लीमेंट करवाया था भाई, इस पर लगवाया था, तो वो चीज़ है। तो भाई मैं आपको एक बताऊँ भाई कितने में मेरे को पड़ा, और भाई देखो इसका बिल पड़ा होगा दोस्तों, मैं आपको मतलब एक अलग वीडियो दोस्तों मेरा फेस नहीं दिखेगा, आपको एक कैमरा इसकी तरफ करके दिखाऊंगा भाई। ये मेरे को शायद दोस्तों पड़ा था 4,000 रुपये का, और भाई मैंने डाला दोस्तों दिल्ली से रोहिणी से दोस्तों, रोहिणी में एक मॉल है उसका नाम तो पता नहीं दोस्तों, रोहिणी एक साई बाबा दोस्तों मंदिर है रोहिणी साइड में, तो वही वहाँ पे यार एक मॉल है, मेरे को नाम पता नहीं, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा तो उसकी इमेज भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो भाई उसके अंदर दोस्तों ये लगवाया था भाई फोल्डर मैंने, तो भाई वहाँ पे ऑथराइज था भाई किसी के अंदर, जैसे कि वहाँ पे वन प्लस का था और शाओमी का था दोस्तों, एक टेनो का था, तो भाई वहाँ पे टेनो यूजर दोस्तों मेरे को मिले, 2-3 यूजर्स मिले भाई, मैंने उनसे बात की भाई अच्छा लगा उनसे मिलकर, तो भाई हो गए 8-9 महीने हो गए। तो भाई जब मेरा फ़ोन दोस्तों वारंटी अवॉइड हो चुकी थी, और भाई मेरा फ़ोन दूध में गिर गया था, और भाई उस वजह से यार मेरा स्मार्टफोन वारंटी से बाहर हो गया था। तो दोस्तों आपको एक है ना दिखाऊंगा दोस्तों अगली वीडियो में, मेरा यहाँ मतलब इसमें ही है, तो भाई इसमें ये रखा, देखो ये रखा डिस्प्ले, देखो आपको दिखा दूंगा ना अगली वीडियो दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये रखा हुआ है ना, तो इसके अंदर दोस्तों ये डिस्प्ले है, आपको दोस्तों कैमरा लेके चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। तो भाई बहुत टाइम बाद दोस्तों टेनो की वीडियो आ रही है, तो भाई आपको मैं बताऊँगा यार आपको एक ऑफिशियल डलवाना चाहिए ऑफलाइन, या फिर आपको एक ऑथराइज तो सर्विस सेंटर तो आपको एक फोल्डर डलवाना चाहिए, तो मेरा मानना क्या है इसके ऊपर, तो ठीक है ना। तो भाई मैं दोस्तों एक ऑफिशियल डलवाया क्योंकि दोस्तों मेरी वारंटी बची हुई थी, तो मैं चाहता हूँ तो मेरी वारंटी अवॉइड हो, और भाई आवाज़ आएगी कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं है कुछ, मिला कोई गाना गुना बज रहे तो कॉपीराइट का मिल जाएगा हमको, तो हम नहीं चाहेंगे बचने से कोई रिस्क उठे। तो भाई देखो मेरा मानना क्या है, आपको एक ऑफिशियल लगवाना चाहिए, या फिर आपको कोई ऑनलाइन साइट पे दोस्तों आपको वहाँ से कुछ बाय करके दोस्तों लगवाना चाहिए। तो भाई मेरा फ़ोन शायद टूट गया भाई, ये फोल्डर उससे पहले का चढ़ा हुआ है, तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ भाई आपको क्या क्या करना चाहिए इसके साथ, तो बनी रहिए वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, तो चलिए चलते हैं। और भाई टेनो यूजर्स ठीक हो, तो भाई आपके लिए शायद मैंने कहा था लास्ट वीडियो है, पर यार मेरे पास कुछ चीज़ रह गई थी आपके लिए बताने के लिए। तो भाई देखो भाई मैंने ये एक स्क्रीन दोस्तों मेरी चेंज करवाई थी, तो भाई इसको मैंने शायद आपको कभी दिखाया नहीं, और भाई मैंने कस्टमर केयर में उसको चेंज करवाई थी ऑफिशियल दोस्तों, जो कि पहले कस्टमर केयर थे, और दोस्तों मैं बताऊँ कि भाई प्राइस क्या पड़ा मेरे को। तो यहाँ पर यार मेरा शायद ये बिल बाल हैं, और क्या है दिखाता हूँ अंदर की तरफ, आप देख कुछ नहीं भाई, ये तो स्मार्टफोन का जो कि रैपर था जो भाई इसमें आया था टेनो जी मेरा, तो भाई यहाँ पे ये डिटेल्स थी मिट चुकी हैं, और ये देखो भाई ये था इसका बिल, भाई इस बिल को दोस्तों बाद में दिखाऊंगा भाई, ये देखो बिल देखिए दोस्तों, ये बहुत पुराना बिल है दोस्तों, ये बिल था 11/9/2018, ओ माय गॉड, मतलब बहुत पुराना बिल है यार ये दोस्तों, मैंने शायद आपको कभी नहीं दिखाई ये चीज़। और भाई ये क्या थी भाई, ये जब दोस्तों मैंने अपना फ़ोन रिप्लेसमेंट किया हुआ है ना, ये तब का यार, मैंने बार दोस्तों रिप्लेसमेंट करवाया हुआ था मेरा स्मार्टफोन की, देखो ये रहा, जब उसमें फ़ोन में प्रॉब्लम आई थी तब उसमें मैंने रिप्लेसमेंट करा था भाई, और भाई ये मेरा वारंटी पीरियड में था, तब उससे पहले डिस्प्ले चेंज हुआ, वारंटी के टाइम में पहले तो भाई मेरा वारंटी अवॉइड हो जाती, तो इसलिए मैंने ऑफिशियल ही करवाया था। और ये रहा, और इसके अंदर कुछ है कुछ नहीं यार, ये भी वो बिल ही है जब मेरा फ़ोन रिप्लेसमेंट होकर आया था, पर दोस्तों मेरा फ़ोन इसमें आया था भाई, ये बॉक्स मैंने इसलिए दिखाया कि इसको रखते हैं यार साइड में, ये भी कोई काम का नहीं है, ये है, और भाई इसमें मेरा फ़ोन रिप्लेसमेंट हो गया तब का ये है, पर ये डिस्प्ले इसमें नहीं आया, पर दोस्तों उन्होंने मेरे को डिस्प्ले दिया जब मैं भाई मेरा मैं गया था दोस्तों दिल्ली में दोस्तों, रोहिणी है आपको पता हो दोस्तों, वहाँ पर एक सर्विस सेंटर है ऑथोराइज सर्विस सेंटर, तो भाई उसमें वन प्लस के स्मार्टफोन, शाओमी के स्मार्टफोन और टेनो के स्मार्टफोन दोस्तों वहाँ पर रिपेयर किए जाते हैं दोस्तों, वहीं पर भाई मैंने अपना फ़ोन ऑफिशियल है दोस्तों वहाँ पर, भाई मेरा फ़ोन है ना दूध में गिर गया था, तो अगर मैं खोल कर दिखाता हूँ यहाँ पर मेरा फ़ोन का ये फोल्डर है ये, तो भाई मैंने कॉम्बो डलवाया था, तो भाई मैंने इसलिए डलवाया कि भाई मेरी वारंटी बची हुई थी ऑलमोस्ट 9 मंथ की दोस्तों पेंडिंग थी मेरी, ठीक है ना, तो बची हुई थी, और तो फिर है ना उसमें भाई मैंने सोचा यार मैं अगर ऑफलाइन ठीक होता हूँ, ऑफलाइन से मेरा सस्ता ठीक हो जाता कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये में, तो भाई मैंने सोचा मैं उसको मतलब एक ब्रांड से उसको ठीक करना अच्छा लगता है ना कि ऑफलाइन,
तो मेरे को उससे ब्रांड ज़्यादा ट्रस्ट होता है, चाहे उसको कोई सा भी ब्रांड हो, कोई सा भी टेनो हो या फिर या शाओमी हो या फिर एप्पल क्यों ना हो या वन प्लस या नोकिया, कोई भी एसेट्रा एक्स वाई जेड। तो इसलिए यार मैं वहाँ पे गया, भाई मेरी वारंटी बची हुई थी, तो मैं बाहर ठीक होता था। तो मैं अगर वारंटी में जाता फिर मेरे फ़ोन कभी फ्यूचर प्रॉब्लम आती हुई, उसमें 9 महीने वारंटी बची हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था उसमें मेरी वारंटी सारी ख़राब हो जाए। तो इसलिए दोस्तों मैंने 4,000 रुपये का उसको ये लगवाया फोल्डर, तो ठीक है ना। और भाई तब इसमें भाई ये हो पाया और यही था यार, तो ठीक है ना। तो भाई देखो आपको ये दिखाता हूँ भाई, इसमें दोस्तों मेरे को भाई फोल्डर उन्होंने दिया भाई, इसमें तो मेरा फ़ोन आया था जब रिप्लेसमेंट होके आया, तो दोस्तों इसमें मेरा फ़ोन आया था, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। तो ये जब मैंने फिर उसके बाद दोस्तों ठीक होने बाद दोस्तों ये मैंने रिप्लेसमेंट करवाया था। तो भाई मेरा पिक एंड दोस्तों ड्रॉप सर्विस दोस्तों, जब फ़ोन के सर्विस सेंटर सभी से बंद हो गए थे इंडिया के अंदर, मतलब आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ही मिलती थी वहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली। और भाई देखो ये था, इसमें दोस्तों मेरे को भाई डिस्प्ले दिया गया, भाई वो बोले मेरे को भाई कि आपको 1 महीना लगेगा। तो दोस्तों वो बोले कि यार मेरे पास एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें नहीं डलवाया था डिस्प्ले। और ये भाई जब दोस्तों मेरा फ़ोन रिप्लेसमेंट होके आया ना, तब की बात है दोस्तों, देखिए अब आप, ये आप देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। तो भाई ये फ़ोन जब मेरा रिप्लेसमेंट होके आया तब की बात है, ये तब का है, इसको साइड रखते। और भाई ये क्या लिख रहा है आप देखिए, खुद पढ़िए यार, 10 और GB यार बहुत याद आएगा मेरे को सच में यार। अभी मेरे पास रखा हुआ है 10 और GB घर पे, उसको मैं ठीक कराऊंगा। तो सब बोर्ड है दोस्तों, भाई ये बताऊँ क्यों चेंज कराया, देखो दोस्तों भाई उसमें दूध में गिर गया था मेरा फ़ोन। तो भाई मेरी देखो वारंटी यहाँ से पता चल गई कि भाई ये वाटर डैमेज है। तो भाई यहाँ पे ये है ना, ये दिख रही है आपको, ये देखो दोस्तों यहाँ पे वाइट होती है दोस्तों, कभी इसमें लिक्विड चला जाए दोस्तों तो भाई ये हो जाती है आपकी रेड सी टाइप की। तो भाई ये रेड हो गई थी, तो भाई वो बोले आपका दोस्तों वाटर डैमेज है, ये देखिए ये हट जाती है यहाँ से। तो भाई हट गई ना, कहाँ गई, अरे कहाँ गई भाई, ये रहा इसके आगे डल गई देखो, ये रहा। तो ये दोस्तों रेड हो गई थी ना, तो इसी वजह से देखिए ये रेड हो गई थी। तो उनको पता चल गया भाई ये तो वाटर डैमेज है, भाई उनको पता चलेगा यार ये तो चीज़, तो देखो ना फोकस हो जाए यार ये, ठीक है। तो भाई ये था भाई, ये सब बोर्ड मेरा चेंज करा भाई उन्होंने, उसका नाम सब बोर्ड ही है 464 GB। तो इसका प्राइस था भाई, फोकस कर देता हूँ यार, प्राइस तो दिखाई दूंगा, चलो यार इसको प्राइस बाद दिखाऊंगा लास्ट में। तो दोस्तों इसमें भाई मेरा डिस्प्ले ये था, इसमें भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं था भाई, मेरा डिस्प्ले टूटा नहीं था। पर दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आया, देखो ये इसमें फेस दिख रहा है हाई, सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइएगा जरूर यार। देखो 10 और यूजर्स ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया भाई, इनको कभी नहीं भूल सकता मैं। तो बताऊँ क्या था भाई, ये देखो सभी में प्रॉब्लम आता है दोस्तों, मैं कहीं और टच कर रहा था भाई, कहीं और पे वर्क कर रहा था दोस्तों, ये सभी 10 और यूजर्स प्रॉब्लम था भाई। ये मेरा दूध में गिरने वाले दोस्तों फ़ोन ख़राब नहीं हुआ, उसमें कहीं भी उसमें चावलों के अंदर धरा, तो भाई उसका जो कि दूध था उसको स्वेट बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया चावलों ने, तो उसकी नमी नमी दोस्तों सारी ठीक हो गई थी। और फिर दोस्तों भाई ये बैटरी है दोस्तों, मेरी बैटरी फ्री में ही चेंज हो गई है, उन्होंने दोस्तों सिर्फ इसके फोल्डर के पैसे लिए और भाई सब बोर्ड दोस्तों समथिंग थे 200-250 रुपये थे इसके। तो भाई देखो ये है ना भाई, मेरे को बेस्ट भाई बैटरी हटती नहीं शायद, मेरे हिसाब से हटती दोस्तों जब डैमेज हो जाती, तो ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए सिक्योर हो गई। तो भाई इसको मैं कभी रिप्लेसमेंट करवा लूँगा, मेरे 10 हो गए और जो भी फ़ोन बचा हुआ है उसमें है, तो उसमें डलवा लूँगा इसको। तो भाई उन्होंने ये सारा फ्रेम भी चेंज हो गया यार, तो ये चेंज हो गई। अब दोस्तों भाई मेरा फ़ोन वो टूट चुका है, अब दोस्तों बताऊँ मैं आइडिया बताऊँ क्या लगा रहा हूँ इसकी, दोस्तों भाई ऑफलाइन ठीक कराऊंगा, अब दोस्तों इसको ऑनलाइन ठीक नहीं कराऊंगा, ऑफिशियल ठीक नहीं कराऊंगा। अब भाई इसकी दोस्तों टच शायद अब शायद वर्क कर रही होगी, देखता हूँ, नहीं तो ये टच वर्क नहीं कर रही थी भाई। इसको गर्म करवा के इसको दोस्तों इसकी अलग हो जाएगी, टच अलग हो जाएगी, और इसके डिस्प्ले है ना पीछे ये डिस्प्ले दिख रही है ये डिस्प्ले दोस्तों ये ओरिजिनल है भाई। ये डिस्प्ले में जो क्वालिटी मिलेगी ना आपको कोई भी मतलब ऑफलाइन वाली क्वालिटी नहीं दे पाएगी, थोड़ा सा आराम से बोलना पड़ेगा, मतलब ऑफलाइन वाले दोस्तों आपको क्वालिटी नहीं, मैं समझ यार देखो ओरिजिनल डिस्प्ले है इसके अंदर, तो भाई वो जो कि ऑफिशियल आई थी भाई मैंने ओरिजिनल डलवाया, तो भाई वो टूट गई। तो भाई ये मैं डिस्प्ले निकलवा लूँगा भाई, इसकी टच है ना भाई मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन बाय करूँगा, एक ऐप मैक्स भी है उसमें आपको बताया वो 10 और GB के लिए भाई, वहाँ से मैं बाय करूँगा इसकी डिस्प्ले, मतलब टच डिस्प्ले था ही इसकी मेरे पास, ये डिस्प्ले वर्किंग शायद दोस्तों टच भी नहीं होता, काम करनी स्टार्ट कर गई दोस्तों, इतने दिन रखे रखे हो गए शायद, मे भी हो सकता है, नहीं तो कोई पक्का नहीं है, ठीक है। तो वो है, तो इसकी डिस्प्ले उतरवा लूँगा दोस्तों, इसको हीट करा के दोस्तों दोनों पेस्ट अलग हो जाएंगे डिस्प्ले टच के। फिर दोस्तों अगर वर्क करेगी दोस्तों फिर ठीक है, नहीं वर्क नहीं करेगी दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑनलाइन मंगवा के दोस्तों वहाँ पे एक पेस्ट करवा दूँगा इसके ऊपर। तो मेरा ऑलमोस्ट खर्चा आएगा 1000 रुपीज़ का, और भाई बैटरी तो इसमें ही सेट हो जाएगी, उसका मदरबोर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा, उसका सब बोर्ड यहाँ पे, चार्जिंग पोर्ट और सिम टूल सारे यहीं पर सेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ठीक। तो भाई ये था भाई, और
अच्छी बात लगी यार मेरे को, अच्छा मेरे को है ना यहाँ पे काम करके ठीक लगा कस्टमर केयर में। और भाई देखो ये रहा इसका बिल, फोकस से दिखाता हूँ। अब यार देखो नंबर भी दिख गया, चलो कोई नहीं यार व्हाट्सअप नंबर ही मेरे, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे कुछ बात करनी। तो देखो भाई बी टू एक्स के है भाई, ऑथोराइज था भाई ठीक है ना। तो आप देख लीजिए भाई ये लिख रहा नॉर्थ ए बी टेन नॉर्थ एक्स मॉल है भाई, ये है सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली में है। तो भाई अब इस पर कॉल मत करिएगा भाई, ये अब बंद मतलब टेनो की सर्विस देनी इसको बंद करी मैं, पर इस पर फिर गया था तो बोले भाई बिल्कुल नहीं। तो सर्विस चार्ज देखो भाई इसमें भाई डिस्प्ले के लगे 3178 रुपये, मतलब 3200 रुपये इसमें लगे। तो ठीक है इसमें जीएसटी जीएसटी सारी ऐड करी गई है शायद, हाँ ठीक है भाई। इसमें मतलब जो कि इसका सब बोर्ड था भाई उसमें लगे मेरे 230 रुपये भाई, सर्विस चार्ज उसमें मेरे को लिया भाई 413 रुपये। दोस्तों टोटल बने थे 3500 भाई, ये ज़्यादा बने यार इतने कोई बनेंगे 3500 इतने नहीं, टोटल के थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं आप इसको काउंट करके देख लीजिएगा। और ये 3820 रुपये बने, और भाई मैंने यहाँ पे साइन कर रखे हैं भाई, यहाँ पे एक मैम थी तो मैम ने करवाए थे। और ठीक है जल्दी उसमें मेरा फ़ोन ठीक हो गया था उस टाइम पर भाई, ये ठीक करवाया था भाई मैंने, कब ठीक करवाया था 11/9/2000 जब दोस्तों मेरा फ़ोन सर्विस में बचा हुआ था 9 महीने के लिए। तो भाई मैंने सोचा क्यों रिस्क उठाया जाए, कभी फ्यूचर में इसमें कुछ दिक्कत आ गई तो भाई मैंने भाई एक बार रिप्लेसमेंट भी कर लिया इसके डिस्प्ले ठीक करने के बाद। तो ये दोस्तों मेरे को थोड़ा सा ना मतलब फ़ोन मन पर से उतर गया था, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन गिर गया था भाई थोड़ा सा उसमें ना डंप पड़ गया था पीछे तरफ से, तो थोड़ा सा ना मतलब बैक जो मेटल था भाई वो थोड़ा सा ठुक गया था वहाँ से। तो भाई मैंने थोड़ा माइंड लगाया भाई यहाँ पे इशू आ रहे हैं तो ये इशू आ रहे हैं, तो तब है ना तब मैंने थोड़ा दिमाग लगा के भाई मैंने रिप्लेसमेंट करवा दिया। तो भाई मेरे को नया डिवाइस मिल गया था इसके अंदर, जो कि मैंने आपको डब्बा दिखा था ना उसका सर्विफाई को, भाई सर्विफाई भी वन प्लस को रिपेयर करता है। तो भाई ये अच्छा एक चीज़ लगी टेनो की, और टेनो यार कभी फ्यूचर में आया तो भाई हम टेनो के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, तो हम आपको बिल्कुल यार टेनो सपोर्ट करेंगे फुल। और हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, और बहुत लोग दोस्तों हेल्प हुई हमारे चैनल से टेनो के। और भाई टेनो यूजर्स आप बने रहेगा, और टेनो जी यार मेरा जल्दी चालू कराऊंगा उसको, पक्की बात है आपके लिए स्पेशल चालू कराऊंगा भाई, शायद मैं उसको घर पे रख दूँ तो भाई घर वाले यूज़ करेगा। अब तो मेरे पास मी A3 है ना, तो ये इसका सब बोर्ड है यार दोस्तों। मैंने ये भी चेंज करा था क्योंकि वो मैम बोली वर्किंग कंडीशन में है, पर दोस्तों बाई चांस 1% दोस्तों प्रॉब्लम आ गई तो आपको फिर सर्विस सेंटर से चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये दिख रहा है इस पर ठीक है यार, अच्छा हुआ मेरा दोस्तों यहाँ से एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और वही को दोस्तों बहुत ज़्यादा टेनो के दोस्तों यूजर्स मिले भाई वहाँ पे भाई जो मेरी वीडियो देखते थे यार उस टाइम भी, तो ठीक है यार। और बस यही कहना था आपसे यार, तो टेनो जी है और 3820 रुपये लगे मेरे, मतलब इस फोल्डर को चेंज करने में मेरे को लगे मतलब 3200 रुपये, और भाई 400 रुपये अलग जो कि लगे सर्विस चार्जेस, तो मेरे को 3600 रुपये में दोस्तों ये स्क्रीन डिस्प्ले पड़ गया। अब तो दोस्तों किसी का सर्विस में नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो टेनो का फ़ोन टेनो के फ़ोन मिलने बंद हो गए। तो दोस्तों आप अब आप है ना मैक्स बी पे दोस्तों, या फिर आपको जल्दी वीडियो बना कर दूंगा उसके ऊपर कि आप कहाँ से खरीदे कहाँ से ना खरीदे। तो बस वीडियो था, वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय टेक केयर।